अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे इंशाल्लाह, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज जो है ना स्टार्ट में ही क्या सामने आ गई है। तो मैं सामने इसलिए आई हूँ कि देखिए अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी ही मुझे अपलोड करके जो है ये मुझे सॉरी एडिटिंग करके अभी ही अपलोड करनी है। मैंने कल कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। अच्छा, लोग आने से पहले जो है ना, मैंने काफ़ी लेडीज़ को देखा है आने से पहले अपना मेकअप वगैरह बाल वगैरह सेट करके बैठती हैं। मैं अपना निकाब सेट कर रही होती हूँ कि मेरा निकाब कहीं इधर से उधर नहीं हो जाए, क्योंकि मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आता मेरा निकाब इधर से उधर हो जाता है, तो बस मैं उसी को ही सेट कर रही होती हूँ। खैर, अच्छा, मैंने आज की वीडियो शूट करने का मतलब ये है कि मैंने अपनी स्टार्ट की वीडियोज़ में भी कहा था कि हमारी जो बुटीक है बारबी बुटीक के नाम से, हमारी दो बुटीक्स हैं, तो उसके ड्रेसेस मैं जो है आप लोगों को ज़रूर शो करूँगी, ताकि सबको जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको आसानी हो जाए, क्योंकि बच्चियों के ड्रेसेस लेना जो है, मेरे पास तो बेटी नहीं है, तो जिसके पास बेटियां होती हैं, मेरी बहन की बेटी है, तो उनको जो है ड्रेसेस लेने में थोड़ी सी होती है, बच्चियों के ड्रेसेस किस तरह के लें, कहाँ से लें, और स्पेशली जो है वो गर्मियों में बहुत परेशानी हो जाती है। तो आज जो है ना मैंने कुछ ड्रेसेस मंगवाए हैं आतिफ के भाई से, मंगवाए थे कुछ नहीं, सिर्फ अभी मैंने फ़िलहाल दो ड्रेसेज ही लिए हैं उनसे दिखाने के लिए। मैंने कहा अगर आप लोगों के कमेंट्स अच्छे आए मेरे पास तो इंशाल्लाह मैं और भी बहुत से ड्रेसेस मंगवाऊंगी। अच्छा, तो आपको मेरे पीछे ये दो ड्रेसेस नज़र आ रहे होंगे, तो मैं इसकी क्वालिटी आपको अभी दिखा रही हूँ। मैं प्राइस नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि जब तक मुझे इसके अच्छे से कमेंट्स नहीं आए कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इसके बाद प्राइस ही बताऊँगी। इतने कोई महंगे प्राइस नहीं होते, हम लोगों के रीज़नेबल प्राइस होते हैं, तो वो मैं आपको अभी फैब्रिक और शो कर रही हूँ। इसके बाद अगर आप लोगों ने अच्छे ही राय दी अपनी, तो मैं इंशाल्लाह इसके प्राइस वगैरह के साथ और भी ड्रेसेस लेकर आऊँगी। बस ये थोड़ी सी मुझे शॉर्ट वीडियो ही बनानी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि आज फ्राइडे है। अभी मैंने कल का व्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है शूट करने के लिए, तो मुझे अभी एडिटिंग वगैरह भी करनी है। अच्छा, बैकग्राउंड वगैरह जो भी है उसको इग्नोर कीजिएगा, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, जो है वही है। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए मैं ये को शो करवा रही हूँ। ये एक ड्रेस है, देखिए इसकी फैब्रिक है बिल्कुल लॉन पर है। अच्छा, हमारे पास ज़्यादातर जो फैब्रिक है ना वो पेपर कॉटन पर भी होती है, फैंसी में भी है, कैजुअल भी है। अच्छा, फिलहाल तो देखें ये ड्रेस है, ये है 5 ईयर्स का, ठीक है, नज़र आ रहा होगा। मैं सीधे फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ कि मुझे पता चले कि किस तरह से करना है, क्योंकि मैं ये ड्रेसेस जो है जब लॉकडाउन था काफ़ी सेल कर चुकी हूँ लाइव सेशंस में जाकर, तो वो मैं बैक कैमरा से करती थी, लेकिन अभी तो खैर ये यूट्यूब है तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये स्लीव्स है, ठीक है, इस पर भी देखें डिज़ाइनिंग है, नज़र आ रहा होगा। ये 5 ईयर की बच्ची का साइज़ है, इस पर बटन देखें बहुत पायदार बने हैं, और उसके साथ ये वाइट ट्राउज़र है और ये वाइट दुपट्टा है, ठीक हो गया। ये 3 पीस सूट है, ठीक है, ये है, इसके अंदर कलर्स भी हैं, इसके अंदर 3-4 कलर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। बस अभी मैं सिर्फ जस्ट 2 पीस ही आपको, 2 ड्रेस ही शो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या राय आती है या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, रूटीन मेरी बहुत टफ होती है। शर्मिता भी आपको पता है ना मेरी रूटीन टफ होती है। अच्छा, मैं अपनी बुकी से बात कर रही हूँ, वो भी मेरे ब्लॉग्स देखती हैं। अच्छा चले, एक ये ड्रेस है, ये देखें इस पर पर्ल्स का काम हुआ है, ये पर्ल के मोती लगे हुए हैं, स्लीव्स पे भी इस तरह से लगे हुए हैं, ये देखें स्लीव्स में ये इस तरह से, ये भी दी हुई है। इनकी डिज़ाइनिंग जो है, इनका जो कपड़ा फैब्रिक, इनके ड्रेस डिज़ाइनिंग सब कुछ इनके अपने होते हैं, कहीं से भी कॉपी वगैरह नहीं करते, ये सारे भाई खुद से ही करते हैं, सारे भाई मतलब आतिफ के भाइयों की बात कर रही हूँ। ये देखें, ये जो है ये 8 साल की बच्ची का साइज है, ठीक है, ये वाइट कुर्ती है, देखा जाए दामन पे भी पर्ल्स वगैरह का काम हुआ हुआ है, और इसके साथ भी ये वाइट ट्राउज़र है और वाइट दुपट्टा है। ये आपको 14 अगस्त के ड्रेस के हिसाब से लग रहे होंगे, ये मैं कलर ही ग्रीन कलर के लेकर आई हूँ, इसके अलावा इसमें बहुत सारे कलर्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी, अगर आप लोगों ने अच्छा फीडबैक किया, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 ड्रेसेस मैंने आपको शो कर दी हैं, इसके अलावा फैंसी ड्रेसेस भी हैं, बड़ों के ड्रेसेस भी हैं, हर साइज़ के हैं, 3 ईयर्स 4 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के हमारे पास साइज़ अवेलेबल होते हैं, सेम ड्रेस भी होते हैं, मदर डॉटर ड्रेसेस भी होते हैं, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। अगर आप लोगों ने मुझे
अच्छे कमेंट्स किए, वो सारे ड्रेसेस मैं आपको दिखाऊंगी डिस्काउंट के साथ, उसमें डिस्काउंट भी दूंगी आप लोगों को क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है, आप सब लोगों को पता है। तो बस फिलहाल मुझे जल्दी में, मैं इतनी ही वीडियो शूट कर रही हूँ, यही सब दिखा चुकी हूँ। अच्छा ये जो फैब्रिक है मैंने दिखाई है, ये लॉन फैब्रिक है, बहुत अच्छी फैब्रिक है, हमारे घर की बच्चियाँ भी यही पहनती हैं और हमारे काफ़ी सारे ड्रेसेस ये मैं ऑनलाइन भी सेल कर चुकी हूँ। ये क्या कहते हैं तारिक रोड की बुटीक के ड्रेसेस हैं, ऐसे वैसे कोई ड्रेसेस नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ और आपके कमेंट्स देखती हूँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।